सर आपका नाम? मेरा नाम विनय दुबे। सर जो आज वटवा में बच्चों के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या हेतु से रखा गया है? ये जो वटवा क्षेत्र है, यहाँ पे मध्यम स्तरीय लोग रहते हैं, तो इनको जो भी तकलीफ हो रही है, पढ़ाई को लेकर जो तकलीफ हो रही है, ये सब चीज़ों में हमने चिंतन किया और आज हमने इनको स्कूल किट की व्यवस्था कराई है। और आज हमने इनसे पूछा है कि तुमको क्या क्या तकलीफ पड़ रही है, तो जो भी इनकी आने वाली तकलीफ है उसके लिए हम चिंतन करके आगे भी हम इनके लिए ऐसा प्रोग्राम करते रहे। देखा गया है कि यहाँ के विस्तार में स्कूल बहुत दूर है और स्कूल के माध्यम से आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पर एक स्कूल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप गुजरात सरकार में रजूआत कर सकते हो? हाँ जी, उसके लिए हम ज़रूर से ये आपकी बात सरकार की तरफ पहुँचाएंगे। हमारा जो फाउंडेशन है, हम ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जो बात है सरकार के सामने हम जरूर रखेंगे। यहाँ के बच्चे आज कितने बच्चे आए और कितनी किट का वितरण हुआ? यहाँ पे 100 से 150 बच्चे आए और 150 किट का हमने पूरा इनको वितरण किया है और अल्पाहार की व्यवस्था रखाई है। आगे आपके इस विस्तार को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जो भी तकलीफ आ रही है उसको लेकर हमारा चिंतन रहेगा और उस पर हम काम करेंगे।